दोस्तों, आप सभी ने साल 2011 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया गया सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं तो देखा ही होगा, जिसमें हमें टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और डैशिंग लुकिंग कलाकार वरुण सोबती अभिनय करते हुए नजर आए थे, जो कि हमें सीरियल में अर्णव सिंह रायजादा का मुख्य किरदार निभाते हुए भी दिखाई दिए थे, जिन्होंने अपने इस किरदार को इतनी खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारा था कि आज भी दर्शक इन्हें अर्णव सिंह रायजादा के किरदार के लिए ही घर घर में पहचानते हैं, जिन्होंने अपनी इसी कड़ी मेहनत और लगन से टीवी इंडस्ट्री में काम कर खूब ज्यादा पैसा और नाम और शोहरत दौलत सब कुछ कमा लिया है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता वरुण सोबती की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सारी डिटेल्स जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट अभिनेता यानी कि वरुण सोबती कितना ज्यादा कमाते हैं और कितने बड़े लग्जीरियस हाउस के मालिक हैं और आखिरकार ये कैसी जिंदगी जीना पसंद करते हैं यानी कि कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इनके लग्जीरियस हाउस और साथ ही इनके लाइफस्टाइल से जुड़े हर पहलुओं के जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप भी इनके लाइफस्टाइल से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं, सभी पहलुओं से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन साथ ही साथ आप भी टीवी के सुपर डुपर स्टार यानी के वरुण सोबती उर्फ अर्णव सिंह रायजादा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल में अर्णव सिंह रायजादा का किरदार निभाकर फेमस हुए अभिनेता वरुण सोबती का जन्म 21 अगस्त 1984 को दिल्ली में हुआ था और वहीं से इनकी पढ़ाई भी पूरी हुई। वहीं अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्टार प्लस के शो श्रद्धा में स्वयं खुराना का किरदार निभाकर की, लेकिन इन्हें इनकी असल पहचान सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में अर्णव सिंह रायजादा का किरदार निभाकर हासिल हुई थी, जिसके बाद इन्होंने दिल मिल गए, बात हमारी पक्की है, तन्हाइयाँ और ये है मोहब्बतें जैसे कई सीरियल्स में अपना शानदार काम किया। वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीवी सीरियल्स में काम करने के साथ साथ यू आर माय संडे, ड्राई ड्रीम्स, मैं और मिस्टर राइट जैसी कई फिल्में भी कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अपने हर एक सीरियल में काम करने के लिए शोमेकर्स द्वारा पर एपिसोड के हिसाब से 50,000 रुपये चार्ज किया करते थे और फिल्मों में काम करके ये 50 लाख रुपए कमाते हैं, जिसके जरिए आज उनके पास 8 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई है, जिनमें से 5 करोड़ का इनका मुंबई में बना आलिशान बंगला भी है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, जिसमें फैमिली के जरूरतों के हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज कराया गया है, डेकोरेट कराया गया है, साथ ही उसमें लाइटिंग से लेकर कलरिंग सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है, जिसमें लिविंग रूम से लेकर बाथरूम की दीवारें सभी कलरफुल पेंट से सजाई गई हैं। वहीं आपको बताते चलें कि इनके घर में लगा फर्नीचर घर को और भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है और अपने रसोई घर को तो इन्होंने पूरे सफेद टाइल्स के साथ ही सजाया है। आपको बताते चलें कि अपने घर के अलावा अपने लाइफस्टाइल पर भी काफी मोटी रकम खर्च करते हैं और काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, जहां ये डेली यूज़ में 30,000 के जीन्स शर्ट और कोट पैंट पहनना पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये उनके साथ गुची पराटा जैसे ब्रांड के शूज़ भी कैरी करते हैं, जिनकी कीमत 15,000 से 20,000 तक की होती है, और साथ ही ये अभिनेता महंगे महंगे परफ्यूम्स और वॉच के भी बेहद शौकीन है, जिनकी कीमत भी तकरीबन 40,000 से 50,000 तक की होती है। अब अंत में बात करें इनकी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा लग्जीरियस बनाने वाले इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि अभिनेता BMW, टोयोटा और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों के भी मालिक हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ तक की है। लग्जीरियस लाइफस्टाइल के बाद बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी शादी हो चुकी है और इनकी वाइफ का नाम पश्मीन मनचंदा है, जो दिखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ ही उस लग्जीरियस घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको टीवी के इस फेमस एक्टर वरुण सोबती की रियल लाइफ स्टाइल और साथ ही साथ इनके लग्जीरियस घर के बारे में जानकर कैसा लगा? कैसा लगा आपको इनका लग्जीरियस कार कलेक्शन? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए और ऐसे ही लाइफ स्टाइल से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।